हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु बेटा जी। आपको मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अकाउंटेंसी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपको पता है कि जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और आज का टॉपिक जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है जो कि आपका एग्जाम होगा उसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं बेटा कि जो हम मेन अकाउंट्स तैयार करते हैं, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर जो हमें दो तो अकाउंट तैयार करने हैं बेटा। सबसे पहले हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, जानते हैं आज ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। फिर उसके बाद एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, फिर उसके बाद हमें एक तैयार करनी है बैलेंस शीट। तो बेसिकली बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में चैप्टर में हमें तैयार जो करना है तीन चीजें तैयार करनी है। सबसे पहले है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से ही, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा उसकी हेल्प उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, तो बेसिकली बेटा जी हमें यहां पर तीन चीजें तैयार करनी है, दो अकाउंट तैयार करने हैं, एक बैलेंस शीट तैयार करनी है, एक स्टेटमेंट तैयार करनी है। सबसे पहले है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटा? जो भी बिजनेस के फर्म के एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, टाइम टाइम उनकी वैल्यू में चेंजेस आते रहते हैं। जब कोई पार्टनर हमारे फर्म में नया आता है, इट मींस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो हमें सभी एसेट्स की और सभी लायबिलिटीज की वैल्यूज को रीवैल्यू करना होता है। इसीलिए हम एक अकाउंट तैयार करते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एसेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यूज को रीवैल्यू करना होता है, ठीक है, दोबारा से उनकी न्यू वैल्यू निकालनी होती है। रीजन, एक इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, उसके बाद जो भी होगा आगे कंटिन्यू उस पार्टनर की नॉलेज में होगा सभी एसेट्स की वैल्यू एंड सभी लायबिलिटीज की वैल्यू। साथ साथ इसके बाद हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं, पार्टनर्स का अकाउंट, ये पार्टनर्स का ही अकाउंट होता है, ठीक है। देन एक बैलेंस शीट जो किसी एक पार्टनरशिप फर्म की पोजिशन बताती है कि पार्टनरशिप फर्म स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फाइनेंशियली बिग है। तो जानते हैं सबसे पहले बेटा जी यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इट इज प्रिपेयर टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आपसे एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो क्या नेचर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर बेटा नॉमिनल है। 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट्स क्रेडिट, तो बेसिकली वही रूल यहां पर काम करने वाला है। अभी तैयार करेंगे इसे, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपका आंसर होगा बेटा नॉमिनल अकाउंट, राइट। देन आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स मतलब जो ए और बी जो भी पार्टनर्स है उस फर्म के अंदर, ठीक है, उनका एक अकाउंट बनाना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर इसका नेचर पूछा जाता है तो इसका नेचर है बेटा पर्सनल अकाउंट। रीजन, जो पार्टनर्स होते हैं वो पर्सन ही होते हैं, इसका नेचर क्या होगा पर्सनल अकाउंट। और बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट है जिससे हम किसी पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल पोजिशन को जान सकते हैं। तो बेटा ये देखते हैं, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस विच हेल्प्स टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली बेटा 1 मार्क से क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है। ऑप्शन ए रियल अकाउंट, ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा बेटा जी पर्सनल अकाउंट। सेकेंड है आपका व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो आपको बताना है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल है। आपके पास 4 ऑप्शंस होने वाले हैं, उनमें से जो नॉमिनल होगा आप उसे करेक्ट ऑप्ट कर लेंगे, राइट। अब आते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कैसे होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही
काम आने वाला है ये आपको, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं बेटा जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए ध्यान से बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि बेटा जी मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन नेचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। तो आपको ध्यान रखना जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये नॉमिनल के रूल पे काम करेगा, आपको ध्यान रखना है। और नॉमिनल का रूल क्या होता है बेटा, ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। तो बेसिक बेटा मैं आपसे सिंपली पूछना चाहता हूं कि डिक्रीज इन एसेट्स, अगर कोई भी एसेट्स आपका घट जाता है, उसकी वैल्यू घट जाती है, तो ये आपका फायदा है या नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके पास एक फर्नीचर है 50,000 रुपीज का, उसकी वैल्यू जो रिड्यूस होके हो जाती है डेप्रिसिएशन के द्वारा, 5% डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो बेटा 50,000 का 5% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 2500 होगा, तो उसकी वैल्यू 47,500 हो जाती है। जबकि एसेट जो हमारा बेटा कितने था, 50,000 का था, अब वो कितने का हो गया, 47,500, ये रिड्यूस हो गया। अब एसेट की वैल्यू कम हुई हमारे, तो ये हमारा फायदा हुआ नुकसान, नुकसान हुआ बेटा। अब हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट ने क्या कहा था, ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट, अगर कोई भी आपको एक्सपेंस या लॉस दिखता है तो आपको डेबिट साइड डाल देना है। इसी तरह बेटा इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी का मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, सिंपल है, कर्ज। लायबिलिटी का मतलब कर्ज, बैंक से लोन, जैसे आपने बैंक से लोन लिया हो कर्ज, और आपने सपोज मानिए मेरे से 50,000 उधार ले लिए, ये भी आपके लिए कर्ज हो गया, ठीक है। जब हम किसी से मनी जो है बोरो कर लेते हैं, ये हमारी एक लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। अब आपसे मैं बात कर रहा हूं कि इंक्रीज इन लायबिलिटी की, अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मान के चलिए कि मैंने बैंक से लोन ले रखा था, बैंक लोन जो था हमारे ऊपर वो 5 लाख रुपीज का था, अब वो बैंक लोन 5 लाख से बढ़कर वो हो जाता है बेटा 7 लाख रुपीज का, लायबिलिटीज बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया है। तो कर्ज बढ़ा है हमारे ऊपर, ये फायदा है नुकसान है बेटा, ये हमारा नुकसान होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होना फर्म के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये भी डेबिट साइड आएगा, क्लियर है। सेकंड है बेटा आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की थी, और बाद में पता लगा कि कोई ऐसी भी लायबिलिटी है, ठीक है, हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली थी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती क्या बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपसे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को कहां लिखा जाता है, ऑप्शन ए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑप्शन बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, ऑप्शन सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, व्हाटएवर। तो आपका आंसर होगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। लॉजिक बताता हूं मैं ऐसा क्यों होता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की, वो होती है हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। अब जैसे कि हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है, एडजस्टमेंट में हमें गिवन होता है कि हम इस लायबिलिटी को लिखना भूल गए बेटा, अचानक से हमें लायबिलिटी पता लगे कि हमें एक हमारे ऊपर ये भी लायबिलिटी है, तो हमें कैसा फील होगा, हमें एक हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है, हमें पैसा किसी और को और पे करना है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा एक तरीके से। जब नुकसान होगा इसी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जा रहा है। अब आते हैं बेटा क्या क्या चीजें हैं जो क्रेडिट साइड में आती हैं, मतलब बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे जितने भी आपके प्रॉफिट है या इनकम्स है, वो आपके क्या आएंगे रिवैल्यूएशन में अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं जितने भी एक्सपेंस लॉस है वो डेबिट, जितने भी इनकम प्रॉफिट है वो क्रेडिट, ऐसा क्यों हो रहा। रीजन बेटा, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेचर नॉमिनल है, ठीक है। अब बेटा आपका कोई एसेट था, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग थी 25 लाख रुपीज की, अब वो 28 लाख रुपीज की हो जाती है, 25 लाख रुपए की कोई मशीन थी आपकी, अब वो 28 लाख रुपए की हो जाती है, तो ये 3 लाख रुपए जो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, ये आपका फायदा है या नुकसान है। तो बेटा जी ये आपका फायदा है, जब हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे लिए फायदा होता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन एसेट्स। अगर हमारे एसेट्स बढ़ते हैं तो बेटा ये हमारा फायदा होता है, इसी वजह से इसे हम कहां लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड लिखने वाले हैं। सेकंड इसके बाद आते हैं जो हमारे लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज मतलब कर्ज, मेरे ऊपर कर्ज था बेटा मान के चलिए कि 5 लाख रुपीज का, बैंक लोन था मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का, अब वो बैंक लोन किसी भी तरीके से वो कम हो गया है,
3 लाख रुपए का हो गया है या 3.5 लाख रुपए का हो गया है या 4 लाख रुपए का हुआ है, जो हमारे पर कर्ज था वो कम हो गया, तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए फायदा है ये नुकसान है। तो बेटा फायदा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड लिखी जाती है, डिक्रीज इन लायबिलिटी हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सेकंड, जैसे यहां पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, इसी तरह कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किए। सपोज दैट कि हमने बैलेंस शीट तैयार कर ली थी, एक हमारे पास एसेट्स था, एक पुराना टाइपराइटर था, ठीक है, जो कि साइड में पड़ा हुआ था, है तो एसेट्स ही। रीजन, अगर हम उसे मार्केट में सेल करते हैं तो मन को रियलाइज होगी वो एसेट्स है हमारा, लेकिन हमने उसे बैलेंस शीट में नहीं लिखा, तो सडनली क्या हुआ, हम घूम रहे थे, हमें दिखा कि एक हमारा एसेट्स ये भी था जो हमने लिखना भूल गए। बेटा हमें किसी एसेट्स को देख के हमें फायदा लगेगा नुकसान लगेगा अगर हमें अचानक से मिल जाता है, तो बेटा फायदा, रीजन हम उसे रियलाइज करके हम उसे बेच के पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो बेटा एक हमारा फायदा होता है। वो एसेट्स जो हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखे थे उन्हें बोला जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सिंपली बेटा आप ध्यान रखेंगे, इनके अलावा आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल 6 ही चीज आती है, 3 डेबिट साइड आती है, 3 क्रेडिट साइड आती है। इंक्रीज इन लायबिलिटी एक हमारा नुकसान है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, डिक्रीज इन एसेट्स भी हमारा एक नुकसान है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी एक नुकसान है, ये भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। आते हैं बेटा क्रेडिट साइड पे, देखिए ध्यान से आप, इंक्रीज इन एसेट्स, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए फायदा होता है, फर्म के लिए फायदा होता है, इसी वजह से ये कहा जाता है क्रेडिट साइड। सेकंड बात करते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर आपकी कोई लायबिलिटी कम हो जाती है तो ये भी आपके लिए फायदा है, इसे हम कहां लिखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। इसी तरह अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कुछ एसेट्स ऐसे थे जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किए थे और बाद में पता लगा हमारे पास कोई ऐसा भी एसेट्स है, तो एसेट्स अचानक से मिल जाना बेटा एक फायदा होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन कैसे भी अराइज हो सकता है, ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रिकॉर्डेड, ऑप्शन ए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑप्शन बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, ऑप्शन सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो आपको ऑप्ट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से बेटा जी, अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। अब बेटा जैसे आपने 11th क्लास में सीखा हो, अकाउंट क्लोज कर देंगे, यहां पे डबल लाइन होगी, ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कि अकाउंट बंद हो चुका है, अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब बैलेंसिंग करते हैं, जो भी साइड बड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं बेटा क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, तो जो भी बैलेंस आएगा उसे दोनों तरफ लिख देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो इधर आने वाला है, उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। इस ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, इसको पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, कौन से रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। यहां पे बेटा स्टार लगा देते हैं, हो सकता है कि बेटा ये हमारी साइड डेबिट साइड ज्यादा हो, अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आंसर इधर आने वाला है, वो होगा बेटा रिवैल्यूएशन लॉस, ये भी पार्टनर में रेशियो में ही बटेगा, ये भी पार्टनर में रेशियो में ही बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये रिवैल्यूएशन लॉस को रिप्रेजेंट करती है, राइट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। बेटा आप वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, सारे के सारे एमसीक्यू यहीं से आने वाले हैं, इसी लेक्चर से आने वाले हैं, ठीक है। अगर इस टॉपिक से एमसीक्यू आया तो डेफिनेटली आपका वो सही होगा और वो फंसेगा जो, डेफिनेटली आप कर पाएंगे इजिली। रीजन जो मैं बोल रहा हूं, एक एक वर्ड में मेरी जान है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सारी चीज बता दी है, कौन सी चीज कहां लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो क्या होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगी तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, एटीसी, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद हमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का अकाउंट एक ही बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का अकाउंट एक ही बात होती है, ठीक है बेटा जी। देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी
सी पर्टिकुलर ए बी सी। बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी होगी, कुछ चीजें याद करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले जो आपको समझा रहा हूं वो ध्यान सुनिए आप। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो नेचर है बेटा, अगर आपसे कोई पूछने लगे तो बेटा इसका नेचर होता है क्रेडिट, ठीक है, एक चीज। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा, बढ़ने पर बेटा वही होता है जो उसका नेचर होता है क्रेडिट ही होगा, और घटने पर क्या होगा डेबिट। कैसे याद रखें बेटा, आपने 11th क्लास में एक अप्रोच पढ़ा होगा मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, एज पर मॉडर्न अप्रोच, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी उसमें से एक था, और उसका नेचर बेटा वहां पे आपने पढ़ा हुआ क्रेडिट था। अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, वही चीज है यहां पर भी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज नोट डाउन इट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मुझे बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करना है, और पार्टनर का मुझे कैपिटल अकाउंट कम करना है तो डेबिट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए पार्टनर्स को रिवेल्यूशन प्रॉफिट होता है, अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट मिलेगा, अगर किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो उससे क्या होता है बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है या घटता है? बेटा जी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। बढ़ने का मतलब क्या हो गया, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मुझे बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, राइट। सिमिलरली रिवेल्यूशन लॉस हो गया, लॉस से क्या होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम होते हैं। जिन चीजों से भी कम होते हैं उनको हमें कर देना है डेबिट साइड। इट मींस वो चीजें कहां लिखी जाएंगी, डेबिट साइड लिखी जाने वाली है। फॉर एग्जांपल रिवेल्यूशन लॉस हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हो गया, राइट। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, फिर आपके लिए सारा चीज जो भी है स्मूथ बन जाएगा। जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है उन्हें क्रेडिट करना है, जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट कम होता है उन्हें डेबिट करना है। जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है उन्हें क्रेडिट करना है, जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है उन्हें क्रेडिट करना है, जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट कम होता है उन्हें डेबिट करना है, ठीक है। तो बेटा जी मैं आपके सामने बताता हूं कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। जितने भी रिजर्व्स हैं आपने पढ़ा होगा मेरी लास्ट वीडियो में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितने भी होते हैं उनसे कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं वो उनसे कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है। तो बेटा जी देखिए सबसे पहले ये है बैलेंस, सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल अकाउंट। आपको यहां पर एज्यूम करना है ए और बी दो पार्टनर थे पुराने, बी इनके साथ एक नया पार्टनर जुड़ रहा है, सी जो है एक नया पार्टनर है। ए और बी कोई दो पुराने पार्टनर थे, किसी बिजनेस को रन कर रहे थे। अब सी का एडमिशन होता है, इट मीन सी इज अ इनकमिंग पार्टनर। तो बैलेंस बीडी जो होगी आपकी बैलेंस शीट में गिवन बेटा, जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट गिवन होंगे पुराने पार्टनर के, वही हमारा बैलेंस बीडी होता है, राइट। सी तो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल के नाम पर पैसा लाएगा, तो उसे बेटा इसी वजह से लिखते हैं कैश के नाम से। बिजनेस में पैसा आएगा वो होगी कैपिटल किसकी, सी की, राइट। अब आपको जरूर इससे पहले आपको ध्यान रखना है, जस्ट इससे पहले आपने एक अकाउंट बनाया जिसका नाम था रिवेल्यूशन। अब रिवेल्यूशन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आया होगा, या तो रिवेल्यूशन प्रॉफिट होगा या रिवेल्यूशन लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल मान चलते हैं रिवेल्यूशन प्रॉफिट था, बेटा रिवेल्यूशन प्रॉफिट था तो बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली अभी आपको मैंने समझाया था कैपिटल का अकाउंट बढ़ेगा। अगर मुझे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो बेटा पार्टनर्स को मुझे क्रेडिट करना होगा, इट मींस हमें क्रेडिट साइड लिखना होगा। यहां पे लिखेंगे बेटा रिवेल्यूशन प्रॉफिट, अगर पार्टनर्स को रिवेल्यूशन प्रॉफिट हुआ था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। रीजन जो सी है इनकमिंग पार्टनर, अभी उसका जस्ट एडमिशन हुआ है, राइट। इन केस अगर रिवेल्यूशन लॉस था बेटा, हो सकता है कि रिवेल्यूशन प्रॉफिट हो और यह भी हो सकता है रिवेल्यूशन लॉस हो। फॉर एग्जांपल रिवेल्यूशन लॉस हुआ तो रिवेल्यूशन लॉस इट मींस पार्टनर्स को लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो लॉस से क्या हुआ, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होने वाले हैं। कैपिटल अकाउंट जिन चीजों से भी कम होते हैं हमें उसे क्या कर देना होता है, डेबिट कर देना होता है। तो बेटा हम इसे कहां लिखने वाले हैं, डेबिट साइड। तो यहां पर आएगा आपका रिवेल्यूशन लॉस, ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इट इज क्लियर। सेकंड आते हैं बेटा, जितने भी रिजर्व है हमारे वो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं।
बढ़ाने का मतलब क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करना होगा। जिन चीजों से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है उन्हें क्रेडिट साइड लिखा जाता है, जिन चीजों से कैपिटल अकाउंट कम होता है उन्हें डेबिट साइड लिखा जाता है। रिजर्व देखते हैं बेटा कौन कौन से है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। इनमें से कोई भी रिजर्व होगा बेटा आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट देना है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्लियर है? ठीक है, ये बेटा अमाउंट है हमारे, राइट। इसके बाद मान के चलिए हमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, वो भी लायबिलिटी साइड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड है तो बेटा ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो क्रेडिट बैलेंस करके लिखा हो या फिर वो लायबिलिटी साइड गिवन हो, तो बेटा ये हमारा क्या होता है रिवेल्यूशन, ये होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर भी क्रेडिट होता है, लायबिलिटी का नेचर भी क्रेडिट होता है, और क्रेडिट यहां पर लिखा है। इनमें से कोई एक चीज होगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा होगा, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो होता है बेटा वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है। जब पार्टनर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ाता है घटाता है, बढ़ाता है डेफिनेटली, तो यहां पर लिख देंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो उससे कैपिटल अकाउंट कम होते हैं, रीजन ये कि लॉस होता है। ठीक है, देन इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं हमारी, जैसे कि पार्टनर जो गुडविल प्रीमियम लाता है, बस केवल एकमात्र यही चीज ऐसी है जो सैक्रिफाई रेशियो बढ़ती है, बाकी सारी चीजें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट। जो हमारी नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके आया था, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराए थे ए एंड बी आर द टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 या व्हाटएवर जो भी रेशियो है, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर एंड सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, वो अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम लाता था, ये गुडविल प्रीमियम का अमाउंट जो बेटा सैक्रिफाई पार्टनर में बढ़ता था, तो उसी की एंट्री यहां पर कर रही है हमें गुडविल प्रीमियम। अभी जो गुडविल प्रीमियम बटा है बेटा सैक्रिफाई रेशियो में बटा है, कैसे बटा है ध्यान रखना आपको, सैक्रिफाई रेशियो में, क्लियर है। इसी तरह हो सकता है कि कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर ले, इसी तरह हो सकता है बेटा कोई पार्टनर एसेट्स टेक ओवर कर ले। अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट कम करना है। फॉर एग्जांपल बी ने क्या करा, बी अपने बिजनेस से फर्नीचर उठा के अपने घर ले गया, तो इसे बोलते हैं एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर, तो हमें कैपिटल अकाउंट क्या करना है कम करना है। अगर कम करने का मतलब क्या होगा बेटा डेबिट करना है, यहां पर लिख देंगे हम फर्नीचर, जो भी एसेट लेके जाता है पार्टनर फर्नीचर टेक ओवर बी ने करा फॉर एग्जाम्पल, तो बी का कैपिटल अकाउंट कम होगा, कम का मतलब डेबिट साइड। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर लेता है, कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर लेता, इट मींस पार्टनर कहता है जो उसके रिमेनिंग पार्टनर्स है कि ये फर्म की लायबिलिटी आप इसकी टेंशन मत लो, मैं इसे अपनी जेब से दे दूंगा, तो बेटा हमें हमारी जो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उससे कैपिटल अकाउंट बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। जब वो अपने फर्म का कोई लायबिलिटी है, फर्म की कोई लायबिलिटी है, फर्म का कोई कर्ज है, लेकिन एक पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनर कहता है कि मैं पे करूं ऐसे, तो फ्यूचर में फर्म को उसे पे करना होगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ाना होगा या घटाना होगा, डेफिनेटली बढ़ाना होगा। ठीक है, एक तो पार्टनर बेटा ऐसा नहीं है घटाना होगा, रीजन एक तो पार्टनर अपनी जेब से अमाउंट पे कर रहा है फर्म की लायबिलिटी का, ठीक है, और आप उसका कैपिटल अकाउंट कम ओवर कर दो, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पार्टनर अपनी पॉकेट से फर्म की लायबिलिटी पे करता है तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना होगा, बढ़ाना मतलब क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा कि मैं लायबिलिटी टेक ओवर करता हूं, लोन टेक ओवर कर लिया, कोई भी लायबिलिटी हो सकती है वो, डन। इसी तरह हमारे कुछ एक्युमुलेटेड लॉस हैं, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एक पेनल डेबिट बैलेंस भी आता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इनसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम होते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी एक हमारा एक्युमुलेटेड लॉस है। साथ साथ आपको चीज ध्यान रखनी है कि पार्टनर काफी टाइम गुडविल विड्रॉन कर लेते हैं, जो पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल मिली थी, फॉर एग्जांपल इनको मिली 10,000, इनको मिली 5,000, ये आधे आधे निकाल लेते हैं या फिर जो भी निकालते हैं पूरी पूरी निकालते हैं। अगर पार्टनर्स अपनी गुडविल निकाल लेते हैं, अपने बिजनेस से वो पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमें उनका कैपिटल अकाउंट कम करना होता है। ठीक है, कम करने का डेबिट साइड होगा, वो भी कैश अकाउंट से। यहां पे आपके लिए लिख देता हूं मैं गुडविल विड्रॉन, गुडविल विड्रॉन, जब पार्टनर अपने गुडविल प्रीमियम निकाल लेते हैं तो हमें उनका कैपिटल अकाउंट कम करना होगा, जिस जो भी अमाउंट उन्होंने निकाला होगा।
ठीक है। और काफी टाइम क्या होता है कि एक बैलेंस शीट में आप ध्यान देखे देखा होगा आपने, बैलेंस शीट में जो हमारी बैलेंस शीट है उसके अंदर ऑलरेडी एक गुडविल होती है, दैट इज एपियर्ड गुडविल। इसे एपियर्ड गुडविल बोलते हैं बेटा इसे, ठीक है, और इसे हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं। तो हमें इसे क्या करना होता है, इसे राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब उसे जो बैलेंस शीट है वहां से खत्म करना होता है। खत्म करना है तो बेटा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें कम करना होगा, ठीक है। गुडविल राइट ऑफ ये कहां मिलेगी आपको, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है, गुडविल मिलती है बैलेंस शीट के अंदर। इसे एपियर गुडविल, एपियर क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि बैलेंस शीट में दिख रही है, एपियर मतलब दिखना होता है। जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई होती है गुडविल, ठीक है, ऑलरेडी जो गुडविल होती है फर्म की, पुरानी गुडविल उसे जो दिख रही होती है उसे राइट ऑफ करना होता है। काफी टाइम सेंटेंस भी में आपको मिल सकता है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी गुडविल आपको अपीयर्ड वर्ड करके मिलेगी तो आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम कर देना है ऑल पार्टनर और रेशियो में, राइट। यहां पे होगा गुडविल राइट ऑफ, डन। बस फाइनली बेटा ये हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार हो चुका है, फाइनली ये हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार हो चुका है। बस अब क्या करना है, बस अब एक लास्ट चीज है हमें जो कि बैलेंसिंग करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम की चीज है ये। टोटलिंग करेंगे बेटा, एक है टोटल जो भी होगा बेटा, यहां पे जो भी टोटल आएगा उसे दोनों तरफ लिख दिया जाएगा, ठीक है। टोटलिंग ऑफ दिस साइड विल बी रिटर्न ऑन दिस साइड, टोटल जो भी ज्यादा होता है उसे दोनों तरफ लिख दे, इट मीन बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसी तरह बी का करना होगा, फॉर एग्जाम्पल जो दोनों की बैलेंसिंग इधर आ रही है उसे बोलेंगे बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है। सी का बेटा यही अमाउंट है तो बेटा यही टोटल होगा, और बैलेंस सीडी भी बेटा यही होगा। रीजन लेस करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। ये था हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। इसके बाद हमें प्रिपेयर करनी है एक बैलेंस शीट, ठीक है। आपको बताया गया था एक रिवेल्यूशन अकाउंट होगा, रिवेल्यूशन अकाउंट का जो रिजल्ट था, रिवेल्यूशन प्रॉफिट या रिवेल्यूशन लॉस हमने ट्रांसफर किया कहां पर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल रिवेल्यूशन लॉस यहां पर जो भी आया होगा उसे यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जो भी रिवेल्यूशन प्रॉफिट होगा उसे क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हमें एक तैयार करनी है एक बैलेंस शीट जो इसका फाइनल पार्ट होता है, और इतनी तीनों चीज तैयार करने पे पहले हमें 8 मार्क्स दिए जाते थे बोर्ड के द्वारा। इस बार भी मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन सारे एमसीक्यूज होंगे। नियर अबाउट मेरी एक्सपेक्टेशन है 3 to 4 मार्क्स यहां से आपको इस कॉन्सेप्ट से मिलेंगे एमसीक्यू में, ठीक है। अब करते हैं बेटा जी इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसा कि हम जानते हैं, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। 11th क्लास में भी आपने तैयार की थी एक बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट चैप्टर में, चैप्टर 18। सिमिलरली वही बैलेंस शीट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है बेटा वहां पर थे आप सोल प्रोप्राइटर, इट मींस जिस बिजनेस में केवल एक सिंगल पर्सन कंट्रोल करता है, जो भी चीजें सारा अकेला करता है। यहां पर पार्टनरशिप, यहां पे बैलेंस शीट जो तैयार करनी है पार्टनरशिप ही करनी है, इट मींस मोर देन 2% होने वाले यहां पर, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो बैलेंस शीट देखते हैं बेटा, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, यहां लाइबिलिटीज होंगी, यहां अमाउंट, यहां एसेट्स, अगेन अमाउंट। यहां पे सबसे पहले बेटा जी आपको ध्यान रखना है ये जो अमाउंट आ रहे हैं हमारे तीनों पार्टनर के बैलेंस शीट ही, ठीक है, इनको यहां ट्रांसफर कर देना कैपिटल अकाउंट लिख के, कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल ए बी सी, अब आपके मन में जरूर ये आ रहा होगा कि ये बैलेंस कहां से आए, तो बेटा जी जो बैलेंस शीट आए थे आंसर बैलेंसिंग करने के बाद यही हमारे यहां पर ये ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा यहां पर लिखना आपको कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या क्या जोड़ना आपको, कैश इन हैंड होगा आपका प्लस बैंक बैलेंस प्लस गुडविल प्रीमियम प्लस बेटा इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है उसको भी जोड़ देना है, इनका जो टोटलिंग होगी उसको यहां पर लिख देना है, राइट। अब बाकी कुछ भी नहीं रह गया है, जो ऐसे घट जाते हैं उन्हें रिड्यूस करके लिख देते हैं, जो ऐसे बढ़ जाते हैं उन्हें बढ़ा के लिख देते हैं, आपने सीखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लग गया मशीन पे, तो मशीन को हमें रिड्यूस करके लिख देना है,
और हो सकता है कि कोई लायबिलिटी बढ़ गई हो तो उसे प्लस करके लिखना है। अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो गया तो प्लस करके लिख देते हैं उसके अंदर, डिक्रीज हो गया तो लेस करके लिख देते हैं। इसी तरह बिल्कुल लायबिलिटीज के साथ भी होता है, अगर कोई लायबिलिटीज बढ़ गई है तो प्लस कर देते हैं, लायबिलिटीज कम हो गई तो डिक्रीज कर देते हैं। तो बेटा जी अब देखते हैं ध्यान से यहाँ पे लायबिलिटीज क्या क्या पॉसिबल हो सकती है हमारे पास। सबसे पहले क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल होगा, बिल्स पेबल के बाद बेटा एक लायबिलिटी हमारी होती है बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिसीव इन एडवांस, बेटा आपके लिए मैंने मैक्सिमम लायबिलिटी लिख दिया है जो कि पॉसिबल होती है हमारे एडमिशन चैप्टर में, राइट। टोटलिंग कर लेंगे बेटा। इसी तरह यहां पर एसेट्स की बात करते हैं, आपके जैसे एसेट डेटर्स, स्टॉक, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ईटीसी। फाइनली आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट की जो दोनों साइड है बेटा, इट मींस लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, इनका टोटलिंग जो होता है बराबर होता है। ये तीनों फॉर्मेट की हेल्प से एक आप अच्छे से इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं और एक आप इजीली 3-4 मार्क्स गोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों चीज समझ में आई होगी। आप कोई भी क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में डालिए और हमारे इस चैनल के बारे में सभी बच्चों को बताइए, ठीक है। हम सभी बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी स्ट्रीम्स रिलेटेड सभी कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो बेटा फाइनली थैंक यू, हैव अ नाइस डे।